आज की इस बैठक में हमारे अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उत्तरांचल, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हरियाणा, उसके अलावा आईजी ईस्ट दिल्ली और एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिल्ली दिल्ली सरकार, और उसके अलावा राजस्थान से हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे एडीजी मेरठ के अलावा एडीजी बरेली और एडीजी आगरा, और जो हमारे पांच रेंज हैं, मेरठ रेंज और सहारनपुर रेंज, उसके अलावा मुरादाबाद रेंज, अलीगढ़ और आगरा रेंज, इसके अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस गाज़ियाबाद, सीपी नोएडा और सीपी आगरा, और हमारे सभी इस पूरे क्षेत्र के जो है हमारे सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सभी लोग कुछ वर्चुअली जुड़े हुए थे, कुछ लोग यहाँ फिजिकली मौजूद थे, और ये काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है इसके सकुशल आयोजन के लिए, जितने तरह की तैयारियाँ जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं तैयारियों के लिए, कैसे एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सुरक्षित वातावरण में, और कांवड़ियों की सुविधाओं का, सहूलियतों का ख्याल रखते हुए इसको कैसे संपन्न कराना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपनी तैयारियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया है। जो पड़ोसी राज्यों से जो समन्वय के जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एसएसपी हरिद्वार ने भी इस बैठक में अपनी तैयारियों के, उत्तरांचल सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने भी एक प्रस्तुतिकरण किया, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तरांचल के हैं उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने बताया कि और अन्य राज्यों से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं के बारे में और अपने जो जो इश्यूज हैं उनके बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से जो ट्रैफिक डाइवर्जन का इशू रहता है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं कांवड़ के दौरान, तो उनके लिए उनके लिए जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है उसके बारे में जो प्लान बना है, पार्किंग का प्लान है, कांवड़ियों के शिविर कैसे लगेंगे, उनको विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करानी है, उनके लिए टॉयलेट्स की साफ़ सफाई की, वहाँ पे कोई अप्रिय घटना न हो उसके लिए क्या और व्यवस्थाएं की जा सकती है, इन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है। और मैं जो इसके अलावा मैं जो चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, एम्बुलेंसेज की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था है, और सड़कों की मरम्मत है, इनके बारे में साफ़ सफाई के बारे में बता चुका हूँ, अग्निशमन की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालयों के बारे में बता चुका हूँ, और जो आवश्यक सामग्री जो खान पान की सामग्री इत्यादि की व्यवस्था होती है, इन सब के बारे में सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज किया गया है। तैयारी अच्छी है, सब लोगों ने अपनी तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया है, विगत वर्षों के जो अनुभव हैं, जो यहाँ पे बहुत अधिकारी बहुत अनुभवी हैं, पुराने हैं, तो उन लोगों ने कई कांवड़ यात्राएं यहाँ पे आयोजित की हैं, तो उसके अनुभवों से भी अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिला है और सेंसिटाइज किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो जितनी तैयारी है उससे हम लोग ये आने वाले कांवड़ के सीज़न में श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी उच्च कोटि की व्यवस्था यहाँ पर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर हम लोग दे पाए। उसकी समीक्षा की गई, जो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा इस पर विस्तार से बात हुई, और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई भी घटना कहीं भी हो सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें, पुलिस की व्यवस्था कर सकें, एक्सीडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट फ्री रहे ये पूरा आयोजन, इसके लिए विचार विमर्श किया गया, और जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेस आवश्यक हैं इस आयोजन के लिए वो दिया जाएगा, और जो भी निर्देश बेहतर बंदोबस्त के लिए हैं वो दिए गए। थैंक यू सर। इसके लिए निर्देश दिए गए, इसको पब्लिकली डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है।